चलिए आइए, आज मैं आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूँ। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग कैसे जानेंगे कोई भी सेंटेंस को, ये सेंटेंस जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। तो आइए, इसका पहचानने का आसान तरीका है, यदि किसी भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में यदि आपको क्या मिल जाए, यदि मिल जाए आपको क्या ता रहेगा, ती रहेगी या ते रहेंगे, ता रहेगा, ती रहेगी या ते रहेंगे, इटीसी, इसमें या फिर मिल जाएगा आपको क्या चीज, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, इस तरह का आपका जो है सेंटेंस के वर्ब के लास्ट में मिलेगा हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में। चलिए आइए, तो हम देखेंगे इसका जो है वाक्य किस तरह का होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट होगा, सबसे पहले आपको जो है इसमें सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद शैल या विल का यूज करना है, उसके बाद बी का यूज करना है, वर्ब का फुल फॉर्म का यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो देखेंगे कि शैल और विल का यूज कहां करना है। तो याद रखिएगा आई और वी ये दोनों के साथ हमेशा जो है आपको शैल का यूज करना है, आई और वी के साथ हमेशा शैल का यूज करना है। और उसके बाद यदि ही सी वी यू दे इट प्लूरल नंबर सिंगुलर नंबर ये जितने भी हैं सबके साथ आपको क्या यूज करना है, विल का यूज करना है, सिर्फ आई और बी के साथ जो है सेल का यूज करना है। तो मेरा सेंटेंस देखिए किस तरह का होगा, वो आम खाता रहेगा, वह आम खाता रहेगा, इस तरह का सेंटेंस है, वह आम खाता रहेगा। तो आइए आपको देखेंगे किस तरह से चेंज करना है। सबसे आप पहले आपको जो है सब्जेक्ट का यूज करना है, सब्जेक्ट क्या है मेरा, वह है, वह के लिए ही का यूज करेंगे ही, और ही के साथ क्या यूज करना है, विल का यूज करना है, विल लगाएंगे, उसके बाद बी का यूज करना है, तो यहाँ पे हम लोग बी लगाएंगे, ही विल बी, उसके बाद बस का फोर्थ फॉर्म यूज करना है, क्या हो जाएगा, खाना का ईट, और इसका फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ईटिंग, ही विल बी ईटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, आम, ईटिंग अ मैंगो, ये मेरा जो था फॉर्मेटिव सेंटेंस का, कोई भी इस तरह से चेंज करना है। तो आइए हम लोग देखेंगे अब सेकेंड सेंटेंस किस तरह से चेंज करेंगे। सोहन एक पत्र लिखता रहेगा, सोहन एक पत्र लिखता रहेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो काम को फ्यूचर में भी कंटिन्यू रखे, वैसा वर्क वैसा काम जो फ्यूचर में भी काम को कंटिन्यू रखे, वही जो होता है सेंटेंस जो होगा ना फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस का होगा। तो यहाँ लिखिएगा सोहन एक पत्र लिखता रहेगा, यानी कहने का मतलब है कि सोहन जो है एक पत्र अभी लिख रहा है, यानी प्रेजेंट में भी लिख रहा है और आने वाला समय में यानी फ्यूचर में भी इस काम को कंटिन्यू रखेगा, जारी रखेगा। तो ये सेंटेंस जो हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हुआ। तो इसको देखेंगे किस तरह से चेंज करना है। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट क्या है मेरा, सोहन है, सोहन, उसके साथ हमेशा आपको विल का यूज करना है, सोहन विल, उसके बाद बी का यूज करना है, बी फॉर क्या हो जाएगा, राइटिंग, सोहन विल बी राइटिंग अ लेटर, सोहन एक पत्र लिखता रहेगा। ठीक है, इस तरह से जो है आपको अफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज करना है। तो आइए हम लोग देखेंगे इसका जो है निगेटिव सेंटेंस किस तरह का होगा और इसका चेंजिंग जो है किस तरह से होगा। तो निगेटिव सेंटेंस में आप लोग जानते हैं कि निगेटिव सेंटेंस में हम लोगों को नॉट का यूज करना होता है सेंटेंस में। तो निगेटिव सेंटेंस देखेंगे, सबसे पहले इसका फॉर्मेट में होगा सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगा दीजिए शैल या विल, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाइए
सॉरी इसके पहले जो है आपको नॉट का यूज करना है, उसके बाद आपको जो है बी का यूज करना है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करना है, और एट लास्ट आपको जो है ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ये हुआ जो निगेटिव का फॉर्मेट है। तो इसमें देखेंगे सेंटेंस किस तरह का होगा। तो सेंटेंस होगा आप एक कहानी नहीं पढ़ते रहेंगे, आप एक कहानी नहीं पढ़ते रहेंगे, इस तरह का वाक्य होगा। तो इसको चेंज करने के लिए आपको सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट सबसे पहले यूज करना है, सब्जेक्ट है मेरा यू, यू के साथ लगेगा क्या विल लगेगा, यू के साथ जो है विल का यूज होगा, यू विल। उसके बाद जो है नॉट का यूज करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा नॉट। हम विल नॉट को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, वोंट बोल सकते हैं, यू वोंट यू विल नॉट। उसके बाद बी का यूज करना है, यू वोंट बी यू विल नॉट बी, दोनों सेम ही है ना, इस शॉर्ट फॉर्म हुआ वोंट। तो यू विल नॉट बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, पढ़ना का रीडिंग हो जाएगा ना, यू विल नॉट बी रीडिंग अ स्टोरी, आप एक कहानी नहीं पढ़ते रहेंगे। उसी तरह से एक और सेंटेंस देखते हैं, मैं बाजार नहीं जाता रहूंगा, मैं बाजार नहीं जाता रहूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगाना है मैं के लिए आई, और आई के साथ क्या यूज करना है, सेल का यूज करना है। उसके बाद सेल के बाद नॉट का यूज करना है, आई सेल नॉट। उसके बाद बी का यूज करना है, बी यूज करेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी जाना का क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। तो आई सेल नॉट बी गोइंग टू द मार्केट, ऑब्जेक्ट मेरा क्या हुआ, मार्केट हुआ। तो सेंटेंस किस तरह का हो गया, आई सेल नॉट बी गोइंग टू द मार्केट। तो ये हुआ आपका निगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जो है किस तरह से चेंज करना है। तो आइए अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। इसको हम लोग हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका देखेंगे फॉर्मेट होगा, आपको सबसे पहले इसमें सेड या विल का यूज करना है, प्लस आपको जो है सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद बी का यूज करना है, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना है, और एट लास्ट आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इसमें देखेंगे वाक्य किस प्रकार का होगा, वाक्य होगा क्या सीता, क्या सीता एक पुस्तक खरीदती रहेगी, क्या सीता एक पुस्तक खरीदती रहेगी। तो इसमें आपको सबसे पहले सेल या विल लगाना है, सब्जेक्ट मेरा सीता है, सिंगुलर नंबर है तो विल ही लगेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, यहां तो कोई डाउट नहीं है। चलिए तो देखेंगे, हम लोग सबसे पहले आपको विल लगाना है, तो विल के बाद सब्जेक्ट क्या है मेरा सीता, तो क्या लिखेंगे सीता, विल सीता। उसके बाद आपको जो है बी का यूज करना है, तो बी का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म खरीदना का क्या हो जाएगा, बाइंग हो जाएगा, बाइंग का यूज करेंगे ना, विल सीता बी बाइंग। तो ऑब्जेक्ट क्या मेरा अ बुक, विल सीता बी बाइंग अ बुक, या सीता एक पुस्तक खरीदती रहेगी। उसी तरह से एक और सेंटेंस देखेंगे, क्या मैं डीजे पर नाचता रहूंगा, क्या मैं डीजे पर नाचता रहूंगा। चलिए सही बात है, आप लोग नाचेंगे।
देखेंगे कि इस तरह का सेंटेंस जो है किस तरह से चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट फाइंड करना, सब्जेक्ट क्या है मेरा, मैं है, मैं आई, मैं इंग्लिश क्या होता है आई होता है, और आई के साथ सेल यूज करना है। तो सबसे पहले आप सेल यूज करेंगे और सेल के बाद सब्जेक्ट क्या है मेरा, मैं था, तो आई यूज करेंगे, सेल आई, उसके बाद बी का यूज करना है, सेल आई बी, उसके बाद नाचना का क्या होता है, डांस होता है, इसका जो है फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, डांसिंग हो जाएगा, सेल आई बी डांसिंग, और डीजे, सेल आई बी डांसिंग और डीजे, ये लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा ना। चलिए यहां डीजे का मतलब क्या होता है, डीजे मतलब होता है डांस जंक्शन, ठीक है, यहां पे आप ये डांस जंक्शन समझिएगा डीजे का मतलब। चलिए आइए था मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब वैसे वाक्य देखेंगे जिसमें क्वेश्चन वर्ड लगे होते हैं, जैसे सीता एक पुस्तक क्यों खरीदती रहेगी, मैं क्रिकेट क्यों खेलता रहूंगा, वह बाजार क्यों जाता रहेगा, इस तरह का वाक्य रहेगा। तो आप इसको किस तरह से चेंज करेंगे, आइए हम देखेंगे। तो इसमें क्या लगा हुआ रहेगा, क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ रहेगा। तो सबसे पहले आप जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके पहले जस्ट फॉर्मेट के पहले सिर्फ क्यू डब्ल्यू लगा देना है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, बाकी जो फॉर्मेट था वो सेम एज यूजुअल सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे उसमें। तो इसमें देखेंगे सेंटेंस किस तरह का होगा, सेंटेंस होगा तुम स्कूल कैसे जाते रहोगे, तुम स्कूल कैसे जाते रहोगे। इसमें जो है सबसे पहले आपके आपको जो है क्वेश्चन वर्ड यूज करना है, क्वेश्चन वर्ड क्या था, कैसे, कैसे का क्या होगा हाउ यूज होगा ना, हाउ के बाद सेल या विल लगाना है, तो उसको लगाने से पहले सब्जेक्ट देखना होगा, सब्जेक्ट मेरा तुम था, तो तुम के लिए यू होता है, यू के साथ विल लगता है, तो क्या हो जाएगा हाउ विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू, हाउ विल यू, उसके बाद बी का यूज करना, हाउ विल यू बी, उसके बाद भर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, जाना का गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते रहोगे, इस तरह से चेंज करेंगे। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं, मोहन क्यों हंसते रहेगा, मोहन क्यों हंसते रहेगा, मोहन क्यों हंसते रहेगा। तो सबसे पहले आपको जो है सब्जेक्ट क्या है मेरा, मोहन, मोहन के साथ सेल लगेगा, बिल लगेगा, तो सेल बिल से पहले भी आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है ना, क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, क्यों का वाई हो जाएगा, तो वाई का यूज कीजिए, उसके बाद वाई के बाद सेल या बिल, तो सब्जेक्ट क्या है मेरा मोहन है, मोहन के साथ क्या लगेगा बिल लगेगा, इसलिए बिल लगाएंगे, वाई बिल, सब्जेक्ट फिर क्या हो जाएगा मोहन, वाई बिल मोहन, उसके बाद बी, अब हंसना मेरा वर्ब है तो लास्ट का क्या हो जाएगा लाफिंग हो जाएगा, वाई विल मोहन बी लाफिंग, मोहन क्यों हंसते रहेगा, वाई विल मोहन बी लाफिंग, इस तरह से जो है चेंज करना है। यदि इसमें यदि आपको नेगेटिव सेंटेंस मिल जाएगा तो किस तरह से चेंज करेंगे इसको भी देखेंगे हम लोग। जैसे एक सेंटेंस रहेगा सुरेश एक आम क्यों खाता रहेगा, सुरेश एक आम क्यों खाता रहेगा, तो इसको देखिएगा किस तरह से चेंज करना है। सबसे पहले आपको जो है क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें क्यों है, तो क्यों के लिए वाई यूज करेंगे, और वाई के बाद सेल या विल, सब्जेक्ट मेरा सुरेश है तो सुरेश के साथ क्या लगेगा विल लगेगा, वाई विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सुरेश है, सुरेश यूज करेंगे सुरेश, वाई विल सुरेश, उसके बाद बी का यूज करना है, बी का यूज करेंगे, वाई विल सुरेश बी, उसके बाद क्या है बिफोर, बिफोर क्या है वर्ब क्या है मेरा ईट, ईट का क्या हो जाएगा ईटिंग, वाई विल सुरेश बी ईटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा अ मैंगो,
a mango. इस तरह से आप चेंज करेंगे. Why will Suresh be eating a mango? ये था आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस बस टेंस का क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस. इस तरह से जो है आपको चेंज करना है.